नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ काशी, और काशी में ये है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट पे आपको दिखा रहा हूँ कितने यहाँ पे भीड़ होता है। पहले भीड़ बहुत काफ़ी था, मोदी जी यहीं पे आए थे और यहीं पे आके मतलब गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद मतलब चंदन टीका सभी कुछ लगाए हैं। इधर है, इधर चारों तरफ मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। इधर भी है, बहुत सारे मतलब लोग हैं यहाँ पे, देखने को मिलेगा। और मैं कुछ लोगों से जानना भी चाहता हूँ कि आखिर सब क्या है, कैसे होता है यहाँ पे। जैसे चलता है, हम लोग उस पार भी चल के दिखाने का प्रयास करते हैं कैसे है क्या है। क्या भैया यहीं पे आए थे मोदी जी? हाँ मोदी जी तो चला है, बताइए। मोदी जी यहीं पे आए थे? जी जी, यहीं पे स्नान किए थे। स्नान ललिता घाट पे। अच्छा, ललिता घाट पे किए। मोदी जी आए तो क्या मतलब कुछ बदला हुआ? बदला तो यहाँ पर सफाई पहले से ही है। अच्छा, आप देख रहे हैं मोदी जी के समय सफाई यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ, और विकास का कार्य भी बहुत तेजी से हो रहा है यहाँ पर। मंदिर का सफाई और मंदिर का कार्य भी इस समय तेजी से हो रहा है। जी, तो मोदी जी के आने से बढ़ोतरी ज़्यादा हो गया? जी जी, बढ़ोतरी है। हाँ? जी बढ़ोतरी है। कभी कहीं देखा जाता है कि जो नदियाँ होती है, जो गंगा जी में मिलती है, उस नदियों पर ढक भी दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? नदियों को कहाँ ढका जाता है? जिस रास्ते से मोदी जी जाते हैं उस पर पर्दा लगा दिया जाता है? नहीं नहीं, पर्दा लगाया नहीं जाता है सर जी। अब वहाँ पर बना ही नहीं है। अच्छा, पर्दा लग जाता है, गंदगी है तो वहाँ पर पर्दा लग मतलब जाता है। मतलब दिखे ना जी, गंदगी तो साफ करने के लिए होता है। साफ करने के लिए होता है, तो उस गंदगी के लिए नहीं, जैसे काम हो रहा है कोई, उस कार्य को ढक के किया जाता है ना उसको। भैया देख लीजिए, आए थे मोदी जी और सच्चाई रहा कि क्या होता है कि ढका, उसको ढकाया गया। मोदी जी कहीं देख ना ले कि गंदा है ना भैया, गंदगी नहीं ढकेंगे। सच्चाई यही है, गंदगी नहीं है, वो तो कार्य चल रहा है। बहुत काफी था, आप वीडियो में देखे होंगे बहुत सारे के मतलब ऐसे होता रहता है। अच्छा, जो आप लोग चंदन लगाते हैं क्या, इसका क्या प्रक्रिया? आइए पंडित जी, आइए महाराज, आइए महाराज जी, प्रणाम। अरे चंदन उन लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? पैसे लगाते हैं, जो जैसे आता है उसको वैसे लगाते हैं। हाँ, पैसा भी लगता है। दान दक्षिणा आदमी करता ही ना, इतना लगता है। काशी में आता है, तीर्थ किस लिए आता है? काशी में आता है तीर्थ करने, दान करने, दक्षिणा करने, कोई अपने खून को, कोई अपने पितरों को तरने आता है, तो दान की कोई सीमा नहीं है। आप क्या दे सकते हैं, आप बोलिए। नहीं जैसे क्या मतलब होगा, अगर जिसके पास ना रहेगा तब नहीं रहेगा तो हाथ जोड़ के नमस्कार करके चला जाएगा, भोलेनाथ के माथा पटक के ऐसे चला जाएगा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान खाली भाव के पूछते हैं। भैया देख लीजिए, भगवान सिर्फ भाव के पूछते हैं। और कब से हैं यहाँ? लगभग 2 साल से हैं यहाँ। इसका भी पढ़ाई होता है? इसका पढ़ाई होता है, संस्कृत पढ़ाई होता है। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं? हम शास्त्री किए हुए हैं। शास्त्री किए? जी जी। शास्त्री करके मतलब यहाँ बैठने लगे? जी जी। तो पूजन पाठ कराने लगे यहाँ, यहाँ के भक्ति भाव में मिल गए। सबसे लेधवा वैस वाला काम है, जिसके पास कोई काम नहीं है तो आके बैठ जाता है यहाँ। अरे पढ़ाई की मैं बता तो रहे हैं, जब कोई काम नहीं है तो पढ़ाई किया होता, बढ़िया नौकरी मिलती तो यहाँ क्या करने आता, तब नहीं सुधा करने। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सबसे लेधवा वैस वाला काम नहीं, तो बेरोजगार तो मिलना चाहिए ना। मोदी जी आए थे तो आप लोग इनके जैसे लोगों को तो रोजगार चाहिए। कुछ नहीं, मोदी जी यदि आए थे उस दिन सब घाट हम लोगों का हट गया था, बैठ के उनका सपना देख रहे थे। हाँ, जो भी रोजगार था वो भी छीन लिया गया। थोड़ा बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। भैया देख लीजिए, आए ऐसे ही मतलब है। और नीचे देखिए गंगा की सफाई उफाई हो रही है, दिखाइए। आ जाओ थोड़ा सा। नदियाँ नाले सब कुछ आता है, सब जगह देखने का प्रयास करेंगे। बहुत काफ़ी भीड़ है और ये अंदर से नालों की सफाई करती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हम उधर से जा रहे हैं, पुलिस वाले की गाड़ी भी लगी हुई है, बहुत सारे तमाम लोग सफाई कर रहे हैं, जो कि सफाई कर रहे हैं। ये लोग हटा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, प्रेशर मशीन है।
चलिए ऐसे ही वीडियो को मैं आगे के तरफ ले चलता हूँ, बने रहिए वीडियो के साथ, आपको मैं दिखाने का भी प्रयास करता हूँ कि कैसे क्या होता है। कुछ गाय के तरफ चलते हैं और वहाँ से हम लोग बोझ पे बैठ के मतलब चलते हैं आगे क्या होता है। बोझ पे चले ना, बंद कर दो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इधर और नाव का भाड़ा है 50 रुपया, अगर आप भी आते हैं तो 50 रुपया देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो उस पार आप नहीं जा सकते हैं। मैं नाव पे बैठे हुए लोगों से भी कुछ वार्ता करूंगा, नाव पे बैठने का क्या है, कपा सुमेर घाट आकर आप नाव पे क्यों ऐसा करते हैं, आगे मैं दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, देख सकते हैं खींच रहा है, कहाँ गया ये घाट घुमाने जा रहा है भैया। सवारी हरिशन से मणिकन का दोनों तरफ 100 रुपया, एक लोग का 100 रुपया लगेगा। राजा या अमेरिका से बोल रहे हैं, राजा हरिशन घाट ले जाएंगे 100 रुपया लेंगे। कितना समय में पहुँचा देंगे? 45 में पूरा मतलब गंगा गंगा ही लेके जाएंगे, कम नहीं लगे उसमें, कम नहीं लोग हैं। अरे 2-3 लोग हैं, 3 मतलब वही चीज है भैया ले जाएंगे। चलिए मैं ले जाता हूँ, देख के प्रयास भी करता हूँ कैसा बात होता है, और लोगों को भी मैं देखने का इच्छुक हूँ कि देखता हूँ क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं दिखाने का भैया कहाँ बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, पूरा घुमाएंगे। बंद करो, बंद करो थोड़ा सा, बंद करो।